पंचमी के अवसर पर इंदौर में निकलने वाली गैर को विश्व धरोहर बनाने के लिए यूनेस्को में प्रस्ताव भेजने की कवायद एक बार फिर प्रारंभ हो गई है। कलेक्टर इलैया राजा टी ने अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आगामी रंग पंचमी के अवसर पर गैर की व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। होली पर पूरे देश में रंगों का उल्लास छाया रहता है, लेकिन इंदौर संभवतः ऐसा शहर है जहां रंग पंचमी दुगने उत्साह और उमंग के साथ मनाई जाती है। इंदौर के रंग पंचमी की चर्चा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में होने लगी है। इंदौर में तत्कालीन कलेक्टर लोकेश जाटव ने इसे विश्व की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्थापित करने के लिए यूनेस्को में प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी, लेकिन ये प्रक्रिया फाइलों में ही दबकर रह गई है। कलेक्टर इलैया राजा टी ने अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि यूनेस्को में इंदौर की रंग पंचमी की गैर विश्व धरोहर के रूप में स्थापित हो सके। शांति समिति का बैठक है ना, हो गया है, मतलब इसमें सारे एजेंसीज हैं, किन किन व्यवस्था करना है उसके लेकर डिटेल डिस्कशन हुआ है। बट हम लोग गैर के लेकर भी है ना सेपरेट एक व्यवस्था के लिए ना एक और है ना मीटिंग है ना लेंगे, एंड उसमें नगर निगम से लेकर है ना MPB से लेकर है ना सारे एजेंसीज हैं, एक सुरक्षित रूप में ना हम लोग ना गेयर को कैसे मनाया जाए और जनता को कैसे फैसिलिटेट किया जाए। इंदौर का गेयर है ना आई थिंक विश्व प्रसिद्ध है, मतलब है ना काफ़ी पॉपुलर माना जाता है, एंड कुछ आइटम्स है ना बीच में हुआ है कि उसको है ना यूनेस्को है ना हेरिटेज इवेंट के माध्यम से ना करने के लिए उसका भी हम लोग है ना आगे ले जा रहे हैं। वैसे यहाँ से फाइल नहीं हुए हैं, सो मैं पुनः है ना मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स को अवलोकन के लिए बुलाया है, वो एक बार है ना उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के बाद फिर वापस यहाँ से ना फॉरवर्ड करें। नहीं, 8 तारीख को है ना होली का अवकाश है, मतलब है ना आई थिंक मुझे लग रहा है ना सभी लोग 8 तारीख को है ना मतलब होली है ना मना भी रहा है। दूसरा वर्ल्ड हेरिटेज का भी ये उत्सव हो, इसके लिए जो भी कार्रवाई होगी उसमें नगर निगम हमेशा सहयोग और तत्पर रहेगा। तीसरा, इस पूरे आयोजन में नगर निगम की ओर से भी एक ऐसा मंच या ऐसे उत्सव में शरीक होने का प्रयास झांकी के रूप में हम करेंगे, इसको लगातार जारी भी रखेंगे, जो इंदौर की स्वच्छता का, इसके उत्साह का, उल्लास का और उत्सव प्रिय शहर होने का संदेश देते हुए झांकी संगीत और रंगों के साथ शामिल करने का प्रयास और शुरुआत इस वर्ष से हम करेंगे। दूसरे कई सारे विषय। रविवार को निकलने वाली रंग पंचमी की गैर को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। सुरक्षा का जिम्मा जहां पुलिस के पास होगा वहीं अन्य व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारी संभालेंगे। इसे लेकर जल्द ही एक संयुक्त बैठक आहूत की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, RP News, इंदौर।